बिग बॉस के बाद तेजस्वी प्रकाश ने नागिन की शूटिंग शुरू की। नागिन जिस तरीके से 5 हफ्तों में लगातार अच्छी टीआरपी बटोर रहा था, और इसके बाद जो है सबसे बड़ी बात यह है कि कलर्स पर ये कलर्स का नंबर 1 शो बन गया है। इन सारी चीज़ों पर अब तेजस्वी ने अपना बयान दिया है। पहली बार है जब उन्होंने इस सीरियल की सफलता पर बात की है। तेजस्वी कहती है कि मैं जो है क्या कहूँ, मैं बहुत ज़्यादा जो है सरप्राइज होती हूँ कि पोस्ट पेंडेमिक मैंने पहले बिग बॉस किया, उसके बाद मैं बाहर आई, मैंने नागिन 6 किया। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये सब मुझे कैसा फील हो रहा है, तो मैं तो कहूँगी कि मैं अभी तक ये विश्वास ही नहीं कर पाई हूँ कि ये सब सच में मेरे साथ हो रहा है। मुझे लगता है कि ये रियलिटी है ही नहीं, मतलब मुझे लगता है कि एक सपने की तरह है। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि प्रथा का किरदार जो है वो लोगों को बेहद पसंद आ रहा है, जिस पर वो कहती हैं कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा जो है प्यार मिला है, लोगों की तारीफ मिली है मेरे इस रोल के लिए। मुझे लगता है कि नागिन जो है वो मोस्ट लव और वॉच फैंटेसी फ्रेंचाइजी है इंडिया में। मुझसे पहले भी कई हीरोइनों ने इस किरदार को किया है, इतना ही नहीं मैंने तो बस उन एक्ट्रेसेस की लीग को ज्वाइन किया है। तो ये बहुत ही हम्बल तरीके से तेजस्वी ने रिप्लाई किया। वो कहती हैं एंड आई कंसीडर ज्वाइनिंग द लाइनअप ऑफ एक्ट्रेस हु हैव हेडलाइन द सीरीज, यानी कि जिन हीरोइनों ने किया है मैंने तो खाली उनके उसमें ऐड हुई हूँ मैं, ये तो पहले से ही इतनी फेमस फ्रेंचाइजी है। तो ये बहुत अच्छी बात, मतलब अगर मैं कहूँ तो बहुत डाउन टू अर्थ तेजस्वी हैं जो ये बात कहती हैं कि ये तो ऑलरेडी ही फेमस फ्रेंचाइजी थी, मैं तो सिर्फ उसका एक और हिस्सा ही बनी हूँ। वो आगे कहती हैं ये मेरे प्रोफेशन के लिए एक बहुत बड़ी प्रिविलेज है कि मुझे नागिन करने का मौका मिला, ये एक ऐसा है कि मेरा एक सपना ही पूरा हो गया। आई रियली होप कि मैं जो है आगे भी अच्छा काम करूँ और अपने जो किरदार मुझे मिला है उसको जस्टिफाई कर सकूँ, उसको अच्छे से पेश कर सकूँ। तो इस तरीके का तेजस्वी ने एक बयान दिया है अपनी नागिन 6 की सफलता पर, प्रथा के किरदार पर, जो कि बेहद पसंद किया जा रहा है।